क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम लोग ऐसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं, समझ रहे हो, जिसमें एक लड़की अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए जाती है एक घने जंगल से घिरे हुए घर के अंदर। लेकिन उसके रास्ते में कुछ ऐसी काली शक्तियाँ आती हैं, तो भैया देख कर रूगा भी आएगी अपने मम्मी पापा के साथ बैठना और उनकी कोली भरकर बैठना, क्योंकि भैया डर लगने वाला है, बड़ा बेहतरीन वाला लगने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त लगने वाला है। और हम आज पूरी कोशिश करेंगे इन गुत्थियों को सुलझाने की भैया। लेकिन भैया उससे पहले जरा वीडियोज़ को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में ना कनेक्शन जुड़ जाए। मतलब जो भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियोस डाले वो आप तक पहुंच सके और आपको पता चल सके, समझ रहे हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मतलब तकड़े वाली रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, तुम्हारा भाई तुम्हें लेके चलता है एक दूसरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर हमें एक लड़की की छोटी बहन का पता लगाना है। चलिए। और ये गेट बजाए, लगता है कोई बाहर आया है गेट पर। भाई हमें ना पहले यहाँ पे रोशनी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये कह रहा है भाई कि ये लैम्प जो हमको जलाना पड़ेगा, लेकिन खराब हो गया, इसका बल्ब जो है ना फ्यूज हो रहा है। तो भैया पहले हम इसका बल्ब बदलते हैं, और इस ड्रॉर के अंदर एक बल्ब रखा है नया, हम इसको इसमें लगाएंगे। चलिए हम ये बल्ब लगा देते हैं, और ये बल्ब लग गया, अब ये चल गया है। अरे भैया ये तो कोई चिट्ठी लेकर आया है, चलिए देखते हैं। ये गेट खोलेंगे हम लोग। अरे रुक जा भाई, और भैया ये हमें साइन करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम साइन कर देते हैं इसके ऊपर। और ये हमने साइन कर दिया। और ये क्या है, ये शायद इसकी छोटी बहन है, और उसके बारे में लगता है इसको कुछ पता लगा है। I didn't hear from her for almost 10 years. ये
ये गाड़ी भी कहीं पे जा रही है। We were very close with my sister. And then shortly after our mother's death, she just disappeared. भैया इसकी जो माँ है वो भी मर चुकी है, समझ रहे हो? It was almost 10 years ago. And I have never heard from her again. What could have happened to her? तो भैया यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ देखनी होगी जिससे हम इस गेट के अंदर जा सकें। और भैया यहाँ पे ये पेटियाँ रखी हैं, सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। और भैया इनके अंदर हमें शायद कुछ मिल सकता है। और ये क्या है, ये किसी चीज़ के बारे में मैं बताना चाह रही, कोई स्टोरी लिखी है इसके ऊपर और एक गीत बना हुआ है। दोस्तों किसी दूसरे के अंदर भी हमारे जो हैं कुछ मिल सकता है हमको। तो भैया इसके अंदर देखते हैं और ये क्या रखा है। और ये कोई, ये शायद एक क्रोवार है। और भैया ये एक और स्टोरी हमारे सामने आ चुकी है। और हम इस क्रोवार की मदद से ये जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं इनको हटा सकते हैं। और हम एक एक करके इनको जब हटाएँगे तो उसके बाद एक गेट खुलेगा और उसके बाद हम लोग सभी अंदर चलेंगे। और भैया हमें इसके अंदर से कुछ 7 टुकड़े उठाने पड़ेंगे। और ये पजल मैंने सोल्व कर दिया है और ये लास्ट रह रहा है एक लगाने के लिए बस। और अब ये गेट खुल जाएगा, इसमें से हमको शायद कुछ मिल सकता है भैया। और वही, और ये हम लोग गेट खोलने में कामयाब हो चुके हैं। अब हम लोग अंदर चलते हैं। अबे ये क्या है भाई,